आम जनता का काम करा कर लाता हूं। मित्रों आज वक्त आ गया है, कल गलत राजनीति से परे हटकर मैं धन्यवाद देने चाहता हूं उन संत साहिबानों को जिन्होंने ये पीड़ा उठाया है कि हमारी रेमलाल पंचायत समिति बने। मैं नतमस्तक हूं इस रेमलाल की जनता का, आस पास की जनता का मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूं कि हमारा अभी आगाज है, अंजाम देखना क्या होगा। मित्रों हमारी शक्ति और भी आज इस तादाद में और भी बढ़ सकती है। मैंने पहले भी आग्रह किया था व्यापारी बंधुओं से कि केवल अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आप यह नहीं जताएं कि हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आप तन से मन और राजनीति इससे सबसे परे हटकर सबसे बड़ा संकल्प है हमारी पंचायत समिति। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने आप को यह न समझें कि मैं पंच हूं, मैं सरपंच हूं या नहीं हूं। आपकी एक वाणी, आपका एक साथ, आपका एक विश्वास बढ़ाएगा, हमारा विश्वास बढ़ाएगा, इस रेनवाल का विश्वास बढ़ाएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं महेशी बाजिया, मैं आपको और आपके सभी पंचायत के, ग्राम पंचायतों के सरपंचों को बहुत बहुत धन्यवाद देना। तो हमें आप धन्यवाद या कुछ आशीर्वाद दोगे तो पंचायत समिति अवश्य बनेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नहीं जानते हमारे गांव से जो साथी पधारे, पंचायतें किस तरह से काम करती है, पंचायत समिति का क्या रोल होता है, उसका बारीकी से हमको बताने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सामान्य पंचायत समिति के पूर्व प्रधान और हमारे लोकप्रिय साथी हसौली निवासी श्रीमान रणवीर सिंह जी सहकार साहब को कि वो आए और पंचायत समिति किस तरह से काम करती है और इसका क्या फायदा हमें मिल सकता है, इसके बारे में अपने विचार रखें। सबसे निवेदन है कृपया पधारे मौकर जी, आप सभी पधारे और मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। पधारे, यह आपका सम्मान है, हमारा सम्मान है, कृपया पधारे। आपकी इस सम्मानीय साथियों, सम्मानीय रेणुवाल पंचायत समिति सरकार नहीं बना रही और हम इसका विरोध करते हैं, उसके समर्थन में जो आयोजन किया इसके लिए सबसे पहले तो मैं व्यापार मंडल रेणुवाल और रेणुवाल की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। क्योंकि पंचायत समिति का मुख्यालय रेणुवाल में होना है और कार्य क्षेत्र तो ग्राम पंचायतों में होता है पंचायत समिति का, लेकिन मुख्यालय रेणुवाल में होगा, पंचायत समिति रेणुवाल के नाम से बनेगी। सम्मानीय साथियों, पंचायत समिति का कार्य क्षेत्र ग्राम पंचायतों में होता है, लेकिन जब मुख्यालय रेणुवाल में होगा तो एक ऐसा बात है कि पंचायत समिति में जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायतों के आम जन कम से कम 1000 आदमी रोजाना की आमद ज्यादा होगी, कस्बे में 1000 आदमी की आमद ज्यादा होगी, कस्बे का विकास होगा, कस्बे का व्यापार बढ़ेगा। एक विसंगति है, पिछले 2-3 सालों से देखते आए थे कोट कोतरी जिला बनाओ, कुसामन जिला बनाओ, डीडवाना जिला बनाओ, सांबर की भी मांग रही और दुर्भाग्य देखो कि इन सब कस्बों से बड़ा रेणुवाल पंचायत समिति की मांग कर रहा है। इन सब कस्बों से बड़ा कस्बा है, इन सब कस्बों से बड़ा व्यापार स्थल है और हम मांग कर रहे सिर्फ पंचायत समिति की, और वो भी सरकार की दरिया दिखाई देखो कि वो भी हमारे को नहीं दे पा रही है। आज जयपुर जिले में अगर ग्रामीण अंचल का कस्बा अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा कस्बा रेणुवाल है। इसके मुकाबले के कस्बे पंचायत समिति 30-30, 40-40 साल पहले बन चुकी और हम आज भी
पंचायत समिति के लिए संघर्ष कर रहे हैं, रोड पे बैठे हैं, उनको सुना रहे हैं जो सुन नहीं पा रहे किसी भी आवाज में। मैं एक बात आपको ताकीद कर दूं, जैसा भाई हरी जी ने कहा कस्बे का व्यापार मंडल का सबका सहयोग रहा, तो ये जरूरत नहीं है का आपके सहयोग से पंचायत समिति अवश्य मिलेगी, रेणमाल पंचायत समिति अवश्य। लेकिन ये भी तय है कल जोगने बनने के बाद मैं भी रेणमाल पंचायत समिति बन सकती है, क्योंकि हमारे परिषद भी बहुत बड़ा है। और जो रेणमाल पंचायत समिति बनती है तो जोगने भी अस्तित्व में आती है और सांबर भी रह सकती है। अकेली जो बना पंचायत समिति 14 और 16 पंचायतों की पंचायत समिति है। आज अगर रेणवाल और जोगनेर बनती है तो भी उस जोगवाड़ा की पुरानी पंचायत समिति ज्यादा बड़ी पंचायत समितियां बन रही है। पंचायत समिति रेणवाल बनती है तो हमारे आम आसपास की पंचायतों को बहुत ज्यादा फायदा तो है ही, क्षेत्र के विकास में सुगमता रहेगी, अधिकारियों के आवागमन में सुविधा रहेगी, जनप्रतिनिधियों के लिए सुविधा रहेगी और रेणवाल सब मापदंडों को पूरा करता है। रेणवाल जैसी सुगमता किसी व्यवस्था किसी कस्बे में है ही नहीं। सभी भाई मेरी साथ के अंतर्गत एक आवाज बोलेंगे, क्योंकि अभी इस समय आपको सभी को पता है कि देश के अंदर जुनून छाया हुआ हो और 15 अगस्त हमारे समय में आने वाला है। आप सभी भाइयों को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि हमारा कस्बा उस जगह पर है, उस जगह स्थान उस जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर दो रियासतें, दो राजाओं ने राज किया रेणवाल के अंदर, दो गढ़ पे हम यहाँ की जनता के साथ के अंदर जिस प्रकार से ये पंचायत समिति में जो हम मांग कर रहे हैं और रेणवाल की जो जनता इस प्रागण के अंतर्गत आकर के जो समर्थन दे रही है ये बहुत कम है भाई। इसका इस कमी को पूर्ति करने के लिए कम से कम इस समय ये प्रागण पूरा प्रचार किए थे जिला है, जैसे इस साइड के अंदर अपना शिखर है, इस साइड के अपने नागौर है और आखिरी सीमा के अंदर बसे हुए हैं, आखिरी सीमा की कोई आवाज नहीं सुन रहा है। आज रेणवाल के अंदर हमारी माननीय केंद्र मंत्री पूर्व हरिप्रसाद जी ने जो बताया कि ये हमारा कस्बा सभी मांगे पूरी कर रहा है, मैं आप सभी से गुजारिश भूखे रहेंगे लेकिन पंचायत समिति लेके आएंगे यहाँ पर, ये नक्शे बना लो मेरे भाइयों। और इसी के साथ मैं अपना इकरार ग्रहण करता हूँ, धन्यवाद साथियों। हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। तन समर्पित मन समर्पित के साथ ही ऐसा क्यों 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 हम जब पैदा नहीं हुए थे तब एक बात चलती थी कि यहाँ सरकारी कॉलेज आया लेकिन कहीं और चला गया, कुछ और चीज आई कहीं और चली गई। रेणवाल के साथ ही आखिर ऐसा क्यों होता है? आज ये बड़ा मंच लगा है और बहुत ही धन्यवाद देना चाहूंगा इस आंदोलन को जो संयुक्त रूप से चला रहे हैं उनको कि आज पहली बार रेणवाल में काफी समय बाद एक ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। उसके लिए मैं ये दो लाइन कहना चाहूंगा कि हिंद देश के निवासी सब जन एक है, रंग रूप वेशवासा चाहे अनेक है, बेला गुलाब जुई चंपा चमेली न्यारे न्यारे फूल गूते माला तो एक है, चाहे कांग्रेस हो चाहे जनता दल हो चाहे बीजेपी हो, आज संपूर्ण नेता रेणवाल और आसपास की एक जगह है। ये बहुत ही अच्छी बात है और ये आंदोलन निश्चित रूप से अपने अंजाम की ओर पहुंचेगा।